राजधानी भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विधानसभा उपचुनाव की तैयारी और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मंगलवार को सभी 28 विधानसभा में वीडियो रथ को कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पूजन के बाद रवाना करेंगे। देखिए, आज अभी प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हुई है और अभी तक 111 मंडलों के सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं और 14 तारीख तक सभी 128 मंडलों में सम्मेलन संपन्न हो जाएंगे और 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक अब सभी हमारे 7800 मतदान केंद्रों पर बूथ सम्मेलन प्रारंभ होंगे, जिसमें सभी हमारे वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। साथ ही जो वीडियो रथ सभी 28 विधानसभाओं में भेजे जा रहे हैं, उन वीडियो रथ को कल 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभा क्षेत्रों में रवाना करेंगे, पूजन करके सभी विधानसभा क्षेत्रों में रवाना करेंगे। ये आगे के हमारे कार्यक्रम है। जहाँ तक दिनेश गुर्जर के संबंध में प्रश्न है तो हम सब जानते हैं कि ये कांग्रेस की संस्कृति है, इन शब्दों की हम लोग निंदा करते हैं। कांग्रेस के लोगों से ये मांग करते हैं, कांग्रेस के लोगों से कहते हैं कि वो माफ़ी मांगें, खेद व्यक्त करें और ये शब्द इस बात के घोतक है कि कांग्रेस पराजय के कारण अब लगातार अपशब्दों का प्रयोग कर रही है। अपशब्द कांग्रेस की संस्कृति है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं।